मर गया और मैं भी मर गया रे। साहेब साहेब, बात क्या है साहेब? क्या हुआ? गोली मेरी कान में लगी, धुआं आगे से निकल रहा साहेब। साहेब हमरे तेरे ही के न्योता दे दिया, बुद्धि के दिन सबका बुला लिया, दूर दूरिया जब पागल राम जादा मलखान, तूने मेरे मुंशी को भी खत्म कर दिया। चिंता मत कर, देखता तू भागकर कहां जाता है, मैं तेरे पीछे ही सिवा। ए रोहित बटवा, चला हम हूं तू आवा, चली हम हूं तू चला जा। मौसिया देखा कैसे, अरे खड़ी मनो बच गए, खड़ी मनो बच गए, खड़ी मनो बच गए, अरे बंद कर ठाकुर के बाता हे खबर हो पीपलपुर के फटवा हो पत्रकारा। क्या रे? दादी तो खाले मर जाएगा, मर जाम तो तुम्हारे घर की ड्यूटियां दे। छाप ये बता, तेरा घर परिवार कैसा है? सब राजी खुशी है। शाबाश। ये बता फैजाबाद वाली कैसी है? ए बाबू बाबू हो क्या रे? आज हम जानता कहा आए, अपनी ससुरारी आए और भैया सार अपने साथे लेके आए हैं। शाबाश। सार अपने साथे लेके आए हैं। अंगुली किधर दिखा रहा रे? अरे अंगुली चली जाती है, और सार के बहन हमारे जहाँ कहीं है वही जाके गोबर काढ़ा। यानी तेरे साले की बहन तेरे साथ में? तो समझे वाले समझते हो। हाँ, बोल बोल। ए मास्टर अपने बाबू का तनकी आज खुद सके दी सुबह सुबह है। हाँ हाँ। अरे हमारे बिलवैया, अरे हमारे ससुर के पूती बिलवैया, अरे हमारे ससुर के पूती सारे काहे करा। राम कुमार तू पार्टी का मालिक है, मैनेजर है रे, सबसे पहले बोल ये आग बंद कर दे, वरना मैं बंद कर दूंगा। बोल कहा खिचड़ी में दे भाई वो सरिया में, कहा खिचड़ी में दे भाई वो सरिया, कहा खिचड़ी
क्यों करता बकता दाग तू क्यों करता फुटकार और कजा तुम्हारी आ गई सुनता और कजा तुम्हारी आ गई तू कौन है बेटा जो लड़का पता तू कौन है बेटा जो लड़का और अरे पता तू कौन है जो लड़का और तेरे सब टुकड़े करूं उठाया और तेरे सब टुकड़े करूं ज्यादा बकवास करने की आदत नहीं है। साफ साफ सुन ले, कान खोल कर सुन ले और आंख खोल कर देख ले। मैं तेरे सामने वही मलखान खड़ा हूँ, गंगा का भाई। अरे हो मुखिया का लौंडा, जो हराम ज्यादा मुखिया मेरे भाई के 3,000 का नहीं दे सका उसका लौंडा साला मेरे सामने पाई पाई चुका दूंगा। जितने मेरे बापू कर्जदार थे हराम सादे, आज सब मैं देने आया हूं। मोतीलाल, सराम सादे को देखकर आंखों में खून उतर आया है। इसके साले बादल के सारे कपड़े उतरवा ले हंटर द्वारा। अरे राल हो साले, राल ना कर रहा हूँ, कहाँ थे? चल करे तोरी बहनी चाय पिया के पान खवाई सारी। ए साले, हाँ रे, हाँ याद है, हाँ एक समय था तूने मारा था, हाँ तेरे फल से आ गया। अच्छा, तो तेरी बार हंटर मारा, हाँ तेरे मुंह से खून हो गया था मालूम है ना? अच्छा, हाँ सारे बार हंटर चला गया ना, लेकिन तब की मारे रहा सूखे मारे रहा, अब साले सानक तेल लगा के दोइले हंटा लगाना। क्या बताओ, याद नहीं फैया पता कब आ जाएंगे। बहनी के चाय पिया के पान खवाई साले, कपड़ा उतार दे, तू मुझे चाय पिया पान खुद खा ले। Thank you.
ये नौलखा मारू माला उतार जो हीरे मोती उतार इसमें से ये घर में बड़ा भाई पड़ गया चलता ही मौसिया चलते ही तोरी पतोहिया चौतर घंट बनवाऊ मुझे मारेगा ना तो जाता कहाँ तक दर्द जाएगी हाँ बता बता रहा ले नहीं पता नहीं पता बता बताऊंगा बताऊंगा साल आगे वाली छोड़ के पीछे वाले साल दौड़ा है हमार मौसिया इसे बैठा है साले एक एक बटन नमा गाड़ू है के बात है सरदार जी सिंह हाँ बोलिए इस मक्कार का किस्सा खत्म करो बिल्कुल वही इसे देख कर मेरा खून खौल रहा है आपका भी नहीं मेरा भी चल मरने के लिए तैयार हो जा इसी शमशीर से तो मेरी बहन गंगा का खून किया था ना आज यही शमशीर तेरे सीने से पार हो जाएगी नाग सिंह जब तक तू मरेगा नहीं मेरी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अच्छा हुआ हम लोगों को फेंकना नहीं पड़ा ये खुद ब खुद साला जाकर नाले में गिर गया हरामजादे को बिल्कुल ऐसे ही जाना चाहिए सरदार जी कहो अब हमें क्या करना चाहिए अब हमें करना वही चाहिए मकसद तो पूरा हो चुका है हाँ अपना मकसद पूरा हो गया है और मुझे धन और दौलत की जरूरत नहीं थी मुझे तो अपने बहन के अपमान का बदला चुकाना था आज मेरे हाथों से अपने बहन के अपमान का बदला चुका लिया है अपने आप चलकर हम और तुम अदालत चले आपको समर्पण कर देते हैं सरकार के जी हाँ अदालत पर चलकर चलिए मोतीलाल साहब जय हिंद जय हिंद जय हिंद इस समय मलखान कहां पर मिलेगा तुझे कुछ पता है मलखान डाकू कौन भरोसा है जहां कल वहां परसों वहां है कोई बात नहीं हम लोग चलकर उसका पता लगाते हैं इस समय वो गायब हो गया है चलते वो हराम ज्यादा मिलता कहां पर है क्या है पहले ये बतला कहां भाग रहा किससे बात कर रहा था भाग लिया चुप्पे से क्यों पुलिस आवती है पुलिस अबे हम लोग अदालत जाने के लिए खुद तैयार हैं और पुलिस से क्या डर है भागना नहीं है जी नहीं तो चला फिर थाना भाग जावा जा बिल्कुल हां सीधे बात Thank you.
मलखान। जी हाँ साहब। तुम यहाँ से भाग कर जा नहीं सकते हो। साहब आज मुझे भागना भी नहीं है, इसलिए भागना नहीं है कि हाथों में बंदूक उठाया था धन और दौलत के लिए नहीं। तो किस लिए? मैंने अपने बहन के अपमान के बदले के लिए। अच्छा तो जी हाँ, जिस तरह मेरी बहन को लोगों ने दुनिया से मिटा दिया, उसकी आबरू लूट कर मैंने कसम खाई थी कि जब तक उन दोनों तरिंदों को तीनों को नहीं मिटा दूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। आज मेरे हाथों से मेरे बहन का अपमान का बदला मैंने अपने हाथों से चुका लिया है, इसलिए मुझे कहीं भागना नहीं है साहब। बहुत अच्छे। आज अपने आप को मैं खुद आपके सामने आपके हाथों में मैं समर्पण करता हूँ। बहुत अच्छे। ऐसा होना चाहिए। मलखान तुम चिंता मत करो, अगर तुम अपने आप आत्मसमर्पण कर दिए हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, और यह मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अदालत से मुकदमा मैं लड़ूंगा और तुम्हें बाइज्जत बरी मैं कराऊंगा। आपकी इच्छा हो साहब, ये तो आपकी खुशी है, आपकी मानवता है साहब, लेकिन मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। पूछिए। पूछना चाहता हूँ, ये बताओ मेरी बहन नीतू तुम्हारे साथ है या नहीं? हाँ साहब, नीतू मेरे ही साथ है और जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। क्या? जी साहब, मैंने नीतू से बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए नीतू मुझसे जुदा नहीं हो सकती है और ना कि मैं नीतू से जुदा हो सकता हूँ। कोई बात नहीं मलखान, लेकिन मैं एक बार नीतू से मिलना चाहता हूँ। बोलो क्या बात है? नीतू तेरी जिद रह गई ना, चल कोई बात नहीं, अपनों से इंसान हारता है और अपनों से जीतता है, कोई बात नहीं। अगर तेरा प्यार मलखान है तो मैं खुशी खुशी तेरी शादी मलखान से अवश्य कराऊंगा। क्या कहा भैया? और बात एक और है, ये डाकू है, ये डाकू है, इसको जेल तो होगी, लेकिन तुम चिंता मत करना बहन, मैं अदालत से मुकदमा लड़कर मैं मलखान को बेइज्जत बरी कराऊंगा। मेरी बहन भैया, अगर आप मेरी शादी कर देंगे मलखान से तो मैं तो आपकी बहन हूँ, तो ये आपके क्या लगेंगे? बात की बात है, वो तो रिश्तेदार मेरे हो ही है। भैया बताओ ना, ये आपके क्या लगेंगे? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे तू पागल हो गई है क्या? तू नहीं जानती है कि जब तेरी शादी हो जाएगी तो मेरे क्या लगेंगे? तो वही आपसे पूछना चाहती हूँ भैया। मास्टर जी आप ही बता दीजिए मुझसे, तो क्यों शादी आप करा रहे हो? वही तो, कोई बात नहीं, मैं शादी करा दे रहा हूँ, बाकी बातें होती रहेगी। साथियों, हमारे माननीय मालिक श्री राम अभिलाग जी जो पाठक के पुरवा से चलकर यहाँ आपके पास तक आए हैं, इनके रंगमंच पर संगीत का नाम बताया गया था गंगा की सौगंध। गंगा की सौगंध, बहन की इज्जत का बदला उठ डाकू मलखान। साथियों, इस संगीत में अगर हम लोगों से कोई गलतियां टूटी हो गई हो तो मैं इन सब की तरफ से आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। हमारा तुम्हारा है राम मनयत।
अरे बहनी दीदी, अरे अब तो उठ जा, सुबेर हो गया, अब हमारे साथ चलिए अपने अपने घर।